हाय दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल के एक और नए एपिसोड में। एंड गाइज, माफी चाहूंगा, कल कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया मैं, क्योंकि हमारे नेबर्स में बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक यहाँ पे बज रहा था जन्माष्टमी की वजह से। सो यहाँ पे अभी मेरे को थोड़ा टाइम मिल गया, तो मैंने सोचा कि वीडियो जो मेरा पेंडिंग था वो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर लूं और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं। पर गाइज, उससे पहले एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। दोस्तों, एक चीज़ हुआ मेरे साथ दो तीन दिन पहले, जो साढ़े तीन साल से मैं क्लैश ऑफ क्लैंस खेल रहा हूँ लगभग, कभी नहीं हुआ था मेरे साथ ऐसा। बट मैं सोच में पड़ गया कि ये रीज़न क्या है इसका होने का। देखिए, ऐसी कोई बड़ी बात तो है नहीं, कैजुअल सी बात है, बट अगर आप गेम के बारे में बात करें तो बहुत ही सीरियस मैटर था ये। पहले मैं आपसे शेयर करता हूँ कि हुआ क्या, उसके बाद मैं आपसे और बात करूँगा। देखिए, दरअसल बात यह है गाइज, जो क्लैन वॉर मैं आपको दिखा देता हूँ, वॉर लॉग आप देख सकते हैं, 3 दिन पहले की बात है, 59-55 स्टार्स हम लोगों ने एक वॉर जीता था डेमन्स लायर से। तो यहाँ पे सीन ये हुआ गाइज, अगर मैं डिटेल्स में जाऊँ तो आप देखेंगे वॉर बहुत अच्छा गया था हमारी तरफ से। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने दो नंबर टू बेस को छोड़ के सारे बेसिस को 3 स्टार कर दिए थे। बट यहाँ पे बात ये रहा था गाइस कि मैंने, यस मैंने ऑप्टिमस प्राइम मेरे मेन अकाउंट से कोई भी अटैक नहीं किया। अब देखिए बात क्या है, अब अटैक ना करना ऐसे बहुत बड़ी बात तो है नहीं, बट फिर भी आप अगर अपने क्लैन के मेन प्लेयर होते हो और नंबर वन प्लेयर होते हो एंड आप अगर वॉर में अटैक नहीं करते तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसके वजह से हो सकता है कि आपका क्लैन हार जाता। मैंने देखा ही नहीं था, हो सकता है मे बी अगर एनिमी अच्छा परफॉर्म करते तो हम लोग हार भी जाते। मैंने अपने दोनों अटैक्स यूज़ नहीं किए। अब इसका रीज़न क्या था, क्या मैंने जानबूझ के यूज़ नहीं किया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। दरअसल बात यह है गाइस कि मैं भूल गया। आप सोच सकते हो कि अगर कोई इतना डेडिकेशन से वॉर खेलता है अपने क्लैन में तो वो कैसे भूल सकता है क्लैन वॉर अटैक। तो मैं काफ़ी सोच में रहा, उसके बाद मैंने क्लैन वॉर भी ऑफ कर दिया। मैं 2-3 वॉर से मैं क्लैन में हूँ भी नहीं, तो दिमाग में मेरा चल रहा था कि क्यों ऐसा क्या हो गया कि मैंने वॉर मिस कर दिया। मैं 500 वॉर खेल चुका हूँ शायद से। अगर अभी मेरे वॉर स्टार के बारे में बात करें गाइज, आप मेरे 1475 वॉर स्टार है, मतलब मैं मिनिमम 500 से ज़्यादा वॉर खेला होगा। मैंने 600 के आसपास वॉर खेला होगा, क्योंकि अगर मैं हर वॉर में अगर 3 स्टार भी करता तो भी फिर भी मैं 500 से ज़्यादा वॉर खेल चुका हूँ। सो गाइज, बेसिकली बात यह है कि पता नहीं क्या हुआ, मेरे को नहीं पता कोई। अब देखिए, इसका रीज़न मैं ढूंढने गया, मैंने बहुत सोचा सच में, क्योंकि देखिए बात तो बहुत सिंपल है, गेम ही है। बट फिर भी अगर आप गेम में इतना डेडिकेटेड हो, आप वीडियोज़ बनाते हो, गेम को पसंद करते हो, प्यार करते हो, तो ऐसी क्या बात हो गई कि आप वॉर अटैक करना भूल गए? तो ठीक है, जो भी है गाइज, अभी फिलहाल मैं आपको चीज़ दिखाना चाहूँगा गाइज, जो वो वॉर था उसमें काफ़ी अच्छे अटैक्स हुए थे। मैं तो काफ़ी इंप्रेसिव था गौतम से। गौतम हमारा एक क्लैन मेंबर है, काफ़ी टाइम हो गया गौतम का आए हुए और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स गौतम ने हमें प्रोवाइड करवाए। दो बेसिकली उसके पास अकाउंट्स हैं और दोनों अकाउंट से बहुत अच्छे वॉर अटैक्स वो बहुत दिनों से कर रहे हैं मेरे क्लैन में, तो काफ़ी इंप्रेसिव अटैक्स है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैक्सड आउट टाउन हॉल 12 अकाउंट था, मैक्सड आउट टाउन हॉल 12 इन रिगार्डिंग में टाउन हॉल 5 स्टार टाउन हॉल 12 था। उसी के साथ जो डिफेंसेज वगैरह थे वो भी डिसेंट लेवल के, एक्सोज मैक्स थे, ईयर आर्टिलरी मैक्स था। जो हीरोज आप देख सकते हैं 56 लेवल की क्वीन थी मे बी या फिर ऐसा कुछ, सो काफ़ी अच्छा बेस था। और यहाँ पे जो टेकडाउन किया गया वो क्वीन वॉक और उसी के साथ यहाँ पे इलेक्ट्रो ड्रैगन्स यूज हुए। इलेक्ट्रो ड्रैगन्स तो काफ़ी ओपी ट्रूप्स हैं, आपको पता ही होगा। कुछ दिनों पहले भी मैंने एक अटैक दिखाया था जहाँ पे आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रो ड्रैगन का डैमेज है, चेन डैमेज, उसने क्या तबाही मचाई थी। यहाँ पे इसने काफ़ी स्मार्टली खेला था, यहाँ पे इसने सीज मशीन के साथ कुछ वेलक्रीज यूज़ किए और ये वाला कंपार्टमेंट जो है वो क्लियर कर दिया था। और ये वाले कंपार्टमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें थी, यहाँ पे एक सिंगल टारगेटिंग इन्फर्नो टावर था, उसके साथ 5 स्टार टाउन हॉल 12 जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज करता है वो भी था। क्वीन ने अच्छी वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड करवाई थी, किंग ने भी बहुत अच्छा काम किया था फनल क्रिएट करने के लिए। सो डिसेंटली बहुत अच्छा फनल हुआ था यहाँ पे। और क्वीन यहाँ पे अभी इलेक्सिस स्टोरेज को डिस्ट्रॉय कर रही है, उसके बाद घूम के रिटर्न आके फिर से ये वाले कंपार्टमेंट जाके इस एयर डिफेंस को टेक डाउन करेगी। तो काफ़ी अच्छा क्वीन ने वैल्यू दिया और उसके बाद इलेक्ट्रो ड्रैगन्स ने जो कमाल किया वो तो देखने लायक था। मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ गाइस 2 टाइम्स ताकि आपको जल्दी जल्दी देखने को मिले सीन क्या रहा। यहाँ पे फर्स्ट रेज ड्रॉप हुआ था, उसके बाद ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी, और ग्रैंड वार्डन इसका मैक्स लेवल का है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू ग्रैंड वार्डन से मिला। और यहाँ पे फ्रीज कर दिया गया इन्फर्नो टावर को, और यहाँ पे लास्ट जो रेज है वो भी ड्रॉप हुआ। और जो बहुत ही इजीली गाइज ये बेस जो है वो पूरा 3 स्टार हो गया। आप देख सकते हैं क्वीन अभी भी बची हुई है, वार्डन बचा हुआ है, बहुत सारे इलेक्ट्रो ड्रैगन्स घूम रहे हैं बेस में। सो इलेक्ट्रो ड्रैगन्स बहुत ही अच्छा ट्रूप्स हैं और मैं भी काफ़ी जल्द उन्हें मैक्स करने की सोच रहा हूं। तो ये था, ये एक अटैक था जो कि मेरे को काफ़ी इंप्रेसिव लगा था। और मैं भी सेम स्ट्रेटजी, मैंने गौतम से बात ही किया था, मैं भी सेम स्ट्रेटजी यूज़ करूँगा इस वाले बेस पे, बट आपको तो पता ही है मैं अटैक करना ही भूल गया। सो ठीक है,
अब पता नहीं इसका आंसर अभी तक मेरे को मिला नहीं है, सच में बताऊं गाइज। मैंने बहुत अपने से क्वेश्चन किया कि ये क्यों हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैं वॉर में कितना लंबा प्लान करता था कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं यहां से जाऊंगा। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट जो अटैक मैं दिखाने वाला हूँ वो रॉय का अटैक था नंबर 3 के ऊपर। ये भी काफ़ी उसी का बेस है, गौतम का बेस है और टाउन हॉल 11 है, तो डिप अटैक था बट फिर भी काफ़ी अच्छा ये कॉम्बिनेशन जो वो यूज़ करता है। मैं भी काफ़ी यूज़ करा करता था टाउन हॉल 9 में 10 में, अभी टाउन हॉल 12 में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को सबसे अच्छे ट्रूप्स लगते हैं हॉग राइडर्स और मैं हॉग राइडर का बहुत बड़ा फैन हूँ, इसलिए हॉग राइडर्स मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। यहाँ पे से एक बेबी ड्रैगन से यहाँ पे साइड में थोड़ा सा फाइनल क्रिएट किया, एक बलून भी यूज़ किया था और उसके बाद आपको पता है गाइस कि लालो अगर आप करेंगे टाउन हॉल 11 से टाउन हॉल 10 में तो बहुत ज़्यादा ओपी है। और उसी के साथ यहाँ पे किल स्क्वाड भी यूज़ करा गया था। क्वीन की एबिलिटी इसने बाय चांस ट्रैप कर दिया था, वो एक छोटी सी इशू थी बट फिर भी ओवरऑल मैनेज हो गया था अटैक और पूरा जो 3-स्टार भी हो गया। अब गाइस बैकग्राउंड में फिर से नॉइज आना शुरू हो गया है, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, थोड़ी नॉइज आएगी बट मेरे को माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहा था इसकी वजह से। बट फाइनली मेरे को थोड़ा टाइम मिला तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लूँ, बट फिर से बीच में इनका जो सीन है वो फिर से स्टार्ट हो गया। तो होप श्योर गाइस मैं वीडियो यहीं पे एंड कर दूंगा वरना ये नॉइज आपको और इरिटेट करेगा। सो गाइस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इस एपिसोड में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अपने जो भी वैल्यूएबल कमेंट्स हैं कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना बिल्कुल मत भूलना गाइज। और मैं कोशिश करूंगा एक और वीडियो लाने की जो कि मैं बहुत टाइम से प्लान कर रहा हूं और देखते हैं उस वीडियो में कैसा सीन रहेगा। एंड मिलता हूं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहें, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो गाइज, और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहें। एज यूजुअल गाइज जय हिंद।